हेलो एवरीवन, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो सरलीकरण पे आधारित है। सरलीकरण जो कि निश्चित रूप से बर्ड मास के रूल पे आधारित होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको बर्ड मास समझाना चाहूँगा कि बर्ड मास होता क्या है। बर्ड मास का मतलब है बीफ आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, आप पान मतलब कि आप को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन मतलब जोड़ेंगे, अंत में सब्स्टिट्यूशन मतलब घटाएंगे। ये हमारा बर्ड मास कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में भी कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना चाहेंगे। इस क्रम का भी हम ध्यान रखेंगे। आइए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं अपने चैनल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस बार ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस 3 दिखा हुआ है। सभी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। तो सबसे पहले रूल क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले इनका ध्यान देना, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को। आई बाकी सभी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। 10 ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, आई इन सबको एक साथ सॉल्व कर लें। 3 प्लस में है और 1 प्लस में है, 3 और 1 मिलके 4, और 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, बार ब्रैकेट का। 3 1 4, ये माइनस बाहर है, हमको इतने तीनों डिजिट में सॉल्व करना है। ये माइनस बाहर लगा, माइनस के बाहर लगा दिया हम। 3 1 4 माइनस 2, तो 4 में 2 गया 2 आएगा, तो हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब किसके बारे, अब आ गया स्मॉल ब्रैकेट के बारे। 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस, इन दोनों का जो आंसर होगा कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो निश्चित रूप से 2 होगा। अब किसकी बारी आएगी, अगर आपने ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, तो बारी किसकी, बार स्मॉल फिर कर्ली की बारी। आइए कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करें। 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 6 और 0 मिलेंगे तो 6 ही होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 माइनस 6 और 10 6 का आंसर क्या होना चाहिए, 4। तो इस प्रश्न का आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। शायद आप समझ पाए हैं कि हम किस तरह से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली पूरा किस पे आधारित है, ब्रैकेट पे आधारित था। शायद आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन अब ट्रेंड हो गए, आप सीख चुके हैं। क्या आप सीख चुके हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। आइए कुछ और क्वेश्चन करके सीखते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। दूसरे प्रश्न में फिर से देखेंगे कि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे तरह से सीखा है। आइए नए क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। रूल वही है, ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस, ये दोनों के दोनों, ये माइनस नहीं मतलब है, 12 8 हो 6 पे है, 8 के पहले साइन प्लस ही माना जाएगा, ये तो साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो 8 में से 6 गया तो 2 होता है। आपका यहाँ पे बार ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ये माइनस बाहर लग गया, 8 में 6 गया 2 आ गया। 4 माइनस 6 12 माइनस, अब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 10 प्लस 2 गया तो 8 हो जाएगा। आपका अब लिख दिए सिंगल में आ गया, माने आपका ये ब्रैकेट भी हट गया। आगे बढ़ते हैं, 6 माइनस इन दोनों क्या हो जाएगा, 12 से हट गया तो 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी हट गया। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2, ये ब्रैकेट भी हट गया, और 4 में 2 गया कितना आंसर आएगा, 2,
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दो। क्या आप सीख पाए सच में? क्या आपको सिखा पाया? अब मेरा वादा है कि आपको जरूर सिखा दूंगा अगर आप मुझसे जुड़े रहें और चीज़ों का बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी मेरे साथ पेन कापी लेकर बैठ जाया करिए, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई किया करिए, आपकी तैयारी और अच्छी मजबूत हो जाएगी, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट्स मोहडर सॉल्व कर लिया, आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे की तरफ बॉर्ड मास के भी टर्म्स को भी समझते हैं, उसके एप्लीकेशन पर आधारित क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। नए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट जो कि आधारित होता है बॉर्ड मास पे। आइए देखते हैं बॉर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट यहाँ पे एक ही दिख रहा है जो कि स्मॉल ब्रैकेट है। आइए देखते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। 18 प्लस 44 में से 13 माइनस करें कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया तो 3, 31 आ जाएगा। माइनस 35 और भागे कितना, 7 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, बॉर्ड मास को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉर्ड मास को। पहले सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अब ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब तो ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ नहीं है तो इसका मतलब नेक्स्ट पे जाइए। अब यूज करेंगे डिवाइड को, तो डिवाइड यहाँ पे है। आइए सबसे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 18 प्लस 31 माइनस 35 बटा के 7, 7 से 35 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। क्या आया, 18 प्लस 31 माइनस 5 आ गया। इन दोनों को मिला देंगे, 8 1 9 और 3 1 4, 8 1 9 3 1 4, क्योंकि रूल क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो बचा नहीं था, तो हम चले गए एडिशन में, जोड़ पे चले गए, तो जोड़ दिया 49 आया। और सबसे अंत में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाएंगे। 49 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 44 आएगा। और इस प्रश्न का सिंप्लीफिकेशन वैल्यू सबसे आसान आंसर 44 आया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विशेष रूल के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सॉल्व कर लिए, इजी वे में। शायद आप सच में सीख चुके हैं, आपको अगर नहीं आता था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रेंड करूंगा आपको, ट्राई कर मेरे साथ, पेन कापी लेके बैठिए। आइए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं, तैयारी को और मजबूत करते हैं। क्वेश्चन का एक और नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 200 माइनस क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस 200 बटा के 2 बराबर अगर 100 है तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह को एजिटी रहने देंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लें, इस साइड में एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। 200 नीचे क्या है, नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम लस 2 होता है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 गुणा जब 200 में करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से गुणा करने पर इस यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क जो का त्यों रहेगा, और माइनस जो का 200 भी जो का त्यों हम लिख देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 400 को एज इट इज रहने दिया जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क के पहले प्लस वाले चिन्ह पहले माइनस हो जाएगा, और 200 पहले अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तिरे गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा किस में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अच्छा, रूल अकॉर्डिंग बॉर्ड मास कहता है कि पहले जोड़ लिया जाए, तो 400 का साइन धन साइन क्या है, प्लस है, और 200 का साइन भी प्लस है, तो चाहे जोड़ लिया जाए, तो 400 और 200 मिल कितना हुआ, 600। माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा, 200। हमें निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान, तीसरे 600 को क्या करेंगे, उसका पक्षांतर कर देंगे, तो 200 माइनस इधर 600 आएगा तो माइनस 600 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, और रूल क्या है, देखिए 600 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 600 200 का चिन्ह विपरीत है इसलिए इन दोनों का घटाव कर देंगे, घटा देंगे, तो 600 रुपये में से 200 रुपये कम करेंगे कितना आ जाएगा, 400 रुपये। माइनस माइनस कट जाता है, मान इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जो वैल्यू होगा, मान होगा कितना हो जाएगा, 400 होगा। 400 होगा तभी जाकर ये प्रश्न क्या होगा, सही हो पाएगा। क्या आप समझ पाए, आई लगे हाथ इसका वेरिफिकेशन आपको करा दें। आई वेरिफिकेशन करते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा, 200 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब 400 होता है, तो 400 से 200 गया कितना हो जाएगा,
200 बटा के दो, दो से 200 कितनी बार में, 100 बार में कटेगा, और 200 में 100 माइनस करें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना है, 100, बिल्कुल 100 ही तो था, मतलब 100% 400 एकदम करेक्ट आंसर है। शायद आपको इस तरह भी क्वेश्चन नहीं आता हो रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्या आप सीख पाए, मैं सिखा पाया, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल मुझसे जुड़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस तरह वीडियो और भी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, इजी भी मिस मैथ को समझने के लिए, आप चैनल से जुड़िए और सीखिए। और जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, अब बेल घंटे क्यों ऑल भी पे जा करके आपको दबा देना होगा, है ना। एक आपसे और रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट सबके पास पहुँचे, जिससे भारत देश का विकास हो गया। सब मैथ की तरफ जुड़े, मैथ से कोई ना भागे, हर व्यक्ति मैथ से पहले जुड़े, क्योंकि मैथ अगर आता है तो वो अदर सब्जेक्ट में नहीं जाता है, मैथ में जुड़े, मैं सिखाऊंगा मैथ आपको। आइए एक और क्वेश्चन इसी बात पर लेते हैं और सिखाते हैं आपको। बॉडमॉस आधारित ये पांचवा प्रश्न भी लगे हाथ हम लोग सीखेंगे। बॉडमॉस का रूल को फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं, बॉडमॉस पढ़ाई अपने, आइए देखते हैं। लगातार हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं, शायद आपको अब और भी आसान लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए ढेर सारा साइन है, कौन सा साइन है, गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन, एडिशन का साइन है, गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई है पहले लगेगा, और माइनस का मतलब सबसे अंतिम में लगेगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई होगा, क्योंकि उसके पहले डिवाइड का साइन ऑफ या ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई माने गुणा। आइए देखते हैं, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, प्लस 3 और 10 बीच गुणा का साइन है, तो 3 दहा में 30, अब माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे नीचे भी आते हैं, नीचे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड दिया है तो डिवाइड का क्रम सबसे पहले आता है, बाकी सबको एजिटी रहने दिया जाए। 14 गुणे 3 प्लस 72 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 के पहाड़े में 72 8 बार में आता है, 9 8 72, बाकी सब एजिटीज। हमने क्या किया है, 72 को 9 से भाग दे दिया है, 8 आया तो हम 8 को डायरेक्ट लिख दिए हैं। आइए डूब में आ जाए, अगर डिवाइड हट चुका है तो नीचे सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई का क्रम आएगा। आइए गुणा काज कर लेते हैं, तो 14 3 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 8 प्लस 1। लेकिन ऊपर में तो अब डिवाइड का साइन है नहीं, मल्टीप्लाई साइन है नहीं, तो किसकी बारी आएगी, एडिशन में जोड़ की बारी आएगी। तो ये सब इन दोनों जोड़ लेते हैं, जोड़िए तो 2 और 0 2 हो जाएगा, और 7 3 10 102 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर अब जोड़ हो चुका है तो सबसे बारी सबसे अंतिम किसकी आएगी, घटाव की आ जाएगी। 102 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 99 आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे तो तीनों के तीनों प्लस हैं, अब प्लस है तो जोड़ पहले कर दिया जाएगा, है ना, जोड़ का क्रम आ चुका है। जोड़े इसको, 1 और 8 9 और 9 2 11, हाँ सिर्फ 1, आई 1 और 4 मिल कितना हुआ, 5, कितना हुआ, 5। देखते हैं कि किसी नंबर से कटता है तो इसे काट दिया जाएगा, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दिया जाएगा। आइए देखते हैं, 3 के पहाड़े में से कट जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 3 से कटता है, और 9 9 18 भी 3 से कटता है। आई 3 से काटें, 3 एकम 3 3 7 21, 3 3 का 9 3 3 का 9, 33 बटा के 17। ऊपर वाला मान बड़ा है, अगर अंश का मान बड़ा होता है तो इसे हम लोग मिक्स में आंसर देते हैं, है ना। आई 17 से भाग देते हैं, 17 एकम 17, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, तो 1 सही 16 बटा के 17, इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर है। आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा, आपसे सजेशन चाहते हैं, अपना अपना व्यू, आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन देना ना भूलें, है ना। फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।